वोयाजी चाहिए ये। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रेक्स टॉक में। और काफी दिन हो चुके हैं वीडियो बनाए को, आज बात करेंगे हम इन नए फ्रेग्रेंसेस के बारे में। वैसे तो काफी दिन हो गए इन्हें लॉन्च हुए को, लेकिन हमारे पास अभी अवेलेबल हुए हैं ये है लताफा रईद लक्स और ये है लताफा रईद ऊद। दोनों बहुत बढ़िया प्रीमियम ऑफरिंग है। और एक बात और, इस वीडियो में अगर आप बने रहेंगे तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलने वाली है। काफी सारे गिफ्ट्स मैंने आपके लिए रखे हैं, ये सारे ऑफिशियल सैंपल्स हैं आर्माफ के, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ट्रेस नुई का कुछ इस तरीके से ये दिखता है। और ये सारे आपको फ्री में मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे आगे बात करेंगे वीडियो में, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कंचन पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्रेक्स टॉक। इस चैनल पर हम फ्रेग्रेंस रिलेटेड बातें करते हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है फ्रेग्रेंस लगाने में, परफ्यूम डिओड्रेंट लगाने में, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए यार। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बात करते हैं इस बॉटल के प्रेजेंटेशन के बारे में। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, आपको अगर किसी को गिफ्ट करना हो या फिर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट देना हो काफ़ी बढ़िया रहेगा। कुछ इस तरीके से ये बॉक्स दिखता है, यहाँ साइड में आपको एकदम गोल्डन फिनिश दिखता है, बिल्कुल प्लेन डिज़ाइन। और यहाँ पे इन्होंने बैच लिखा हुआ है कि कब ये बना है कब नहीं बना है, फिंगरप्रिंट कैच करता है, डोंट वरी अबाउट दैट। और यहाँ भी सेम वही पैटर्न आपको मिलता है। फ्रंट में बात करते हैं, बहुत अच्छा सा आपको लोगो देखने को मिलता है जिसमें रईद लिखा हुआ है, और हाथ में फील भी होता है। यहाँ ये लक्स है, रईद लक्स। और जब आप इसका टॉप देखते हैं तो आपको लताफा देखने को मिलता है लोगो, और पीछे भी डिटेल्स दी हुई है, मेड इन यूएई वर्जन है। बेस में भी आपको मेड इन यूएई देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो इसका फील है वो आपको क्या कहना, कुछ इस तरीके का फील आपको देखने को मिलता है। और जब आप इसका बॉटल देखते हैं तो इसका जो बोतल है कुछ इस तरीके से सजाया हुआ है। आपको आपके घर में अगर इसे सजाना है तो आप सजा सकते हैं। कोई लोग आपके यहाँ आएंगे, आपके मेहमान आएंगे, ज़रूर इसके बारे में पूछेंगे कुछ इस तरीके की बोतल है। बोतल के बारे में बात करते हैं, कुछ इस तरीके का डब्बा मिलता है और अंदर आपको बहुत अच्छा सा होल्ड मिल जाता है। और अगर कुरियर में यह बोतल जाने वाली है तो बिल्कुल सेफ पहुँचेगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा मजबूत बॉक्स इसका बनाया हुआ है और हम पैकिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। वैसे freakstock.in से आप इसे परचेस कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये जो बोतल है कुछ इस तरीके से दिखती है, बड़ी खूबसूरत सी बोतल है और प्लास्टिक की कैप आपको देखने को मिलता है रिबन के साथ में। तो चलिए दोस्तों इसे स्प्रे करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके की फ्रेग्रेंस आपको इसमें मिलती है। स्प्रेयर बहुत बढ़िया है और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा बहुत प्रीमियम खुशबू आपको मिलती है, आपका मूड अपलिफ्ट कर देगी। काफ़ी फ्रेश है, शावर जेल टाइप की फ्रेग्रेंस इसमें मिलती है, यानी कि आप नहा के कोई अच्छे महंगे शावर जेल से नहाते हैं उसके अंदर जो पाउडरी हल्का सा हिंट होता है लेवेंडर का, उस टाइप की फ्रेग्रेंस आपको मिलती है। शुरुआत में सिट्रसेस हैं, सिट्रसेस के साथ में एक मिठास भरी और वुडी भरी खुशबू मिलती है जूनिपर बेरीज की, और जूनिपर बेरीज इसे बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन देता है। शुरुआत से एंड तक आपको आराम से मिल जाता है जूनिपर के साथ में आपको। मुझे इसमें कहीं ना कहीं वटीवर की हिंट्स भी मिलती है जो इसे कूलिंग ब्लू टाइप की थीम देती है, बहुत अच्छा सा इफेक्ट देती है। इसे फॉरेस्टी ग्रीन टाइप का नॉन्स देती है। उसके साथ में कई सारे स्पाइसेस आपको मिलते हैं, लेकिन ये स्पाइसेस सारे फ्रेश हैं, आपको फ्रेश फील कराएंगे इस फ्रेग्रेंस में। और बेस में आपको और भी सारे नोट्स मिल जाते हैं, सैंडलवुड, वुडी, एम्बर, मस्क, बहुत सारे नोट मिल जाते हैं। ओवरऑल यूनिक कॉम्बिनेशन है, आपको जूनिपर बेरीज की फ्रूटी नोट्स मिलती है शुरुआत में सिट्रसेस के साथ में, और लेवेंडर, एम्बर, मस्क, वुडी इसको और भी ज़्यादा अपीलिंग बनाते हैं। हर किसी को पसंद आएगा ये फ्रेग्रेंस अगर आप वियर करेंगे, और डे टाइम में वियर करना काफ़ी प्रीफर करता हूँ मैं इसे। अगर समर चल रही हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ठंडी का टाइम भी है और अगर आप दिन की धूप में इसे वियर करेंगे तो काफ़ी अच्छा सूट करेगा, चाहे आपको ऑफिस वियर करना हो, चाहे किसी से मिलने जाना हो, कैजुअल आउटफिट हो या फिर फॉर्मल आउटफिट हो, दोनों ये आउटफिट में बहुत अच्छा सूट करेगा। और कभी भी किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि आपने क्या चीज़ लगाई है, यानी कि क्या चीज़ लगाई है, ऐसा लगेगा कि वाह क्या चीज़ लगाई है, उस तरीके का फ्रेग्रेंस है। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो 1 से 1.5 घंटे बहुत लाउड प्रोजेक्ट करता है, हर किसी को महसूस होता है, यानी कि 3-4 फीट तक का इसका प्रोजेक्शन आपको आराम से मिल जाता है। उसके बाद में 7 घंटे तक इसकी परफॉर्मेंस मिलती है अगर आप 10 स्प्रे से प्लस इसके लगाते हैं स्किन और क्लोथ्स पे। मैंने इसके 10-11 स्प्रे या 12 स्प्रे में मारता हूँ यूजुअली, वो मैंने लगाए थे। और मुझे अभी ठंडी का टाइम है, ठंडी का टाइम मीन्स बारिश हो रही है, मॉनसून है, तो आराम से मुझे 7-8 घंटे इसका मिल जाता है और फिर क्लोज टू स्किन हो जाता है। क्लोथ्स पे तो ये नेक्स्ट डे तक भी आप इसे स्मेल कर सकते हैं, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है कि लोगों को मिल रहा है उसकी फ्रेग्रेंस या नहीं, तो 7-8 घंटे आप इसका मान सकते हैं।
बढ़िया है। अगर एज ग्रुप की बात करें तो 20 साल से 30 साल की अगर आप एज है और उसमें आप लगाएंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। कॉलेज गोवर्स के लिए भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। और अगर आप एक ओढ़ा रखते हैं, अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पे हैं और अगर आप इसे वियर करते हैं तो भी बहुत अच्छा सा सूट करेगा। तो यही था इसके बारे में। इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो ये जो अभी आपको मिल रहा है 1520 रुपये का मिल रहा है freakstock.in पे, वहाँ जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मेरे फेवरेट इस लाइन के फ्रेगरेंस के बारे में, जो कि है रईद ऊद। और जैसा कि इसका नाम है ऊद, काफ़ी सारे लोग आप में से डरते होंगे ऊद के नाम से, आपको एनिमलिक फील आता होगा, वो हार्स टाइप की फीलिंग आती होगी, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। बात करेंगे, प्रेजेंटेशन लगभग उसके जैसा ही मिलता है जो मैंने आपको बताया, तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। बहुत अच्छा सा प्रीमियम फील मिलता है, ब्राउन लेदर कलर आपको मिलता है, एम्बर कलर मिलता है और ब्राउनिश टाइप का ही है। बात करते हैं, स्प्रे करते हैं सीधे और फिर इसके बारे में बात करते हैं क्यों मुझे ये यूनिक लगता है। सबसे पहले बता दूं, इसका परफॉर्मेंस बहुत खूबसूरत है और जैसे ही आप इसे स्प्रे करेंगे आपको स्वीट नोट मिलेगा, रेस्पबेरी का नोट इसके अंदर मिलेगा और उसके साथ में आपको लेदरी वाइब्स मिलने लगती है और ये लेदर बहुत अच्छा लगता है फीलिंग करने में। काफ़ी अच्छी खुशबू आपको इसमें मिलती है, कभी भी एनिमलिक नहीं लगेगा, बहुत सेफ ऊद और लेदर फ्रेगरेंस है। ऊद और लेदर का कॉम्बिनेशन आपको पूरे फ्रेगरेंस में मिलता है और उसके साथ में रेस्पबेरी का मीठा हिंट आपको देखने को मिलता है जो इसे यूनिक बनाता है। कुछ एम्बर के नोट भी है, वुडीनेस भी इसके अंदर है, कुछ स्पाइसेस भी इसके अंदर है, लेकिन ओवरऑल जो बैलेंस आपको मिलता है वो कभी भी किसी को ना पसंद नहीं आने वाला है, हर किसी को पसंद आएगा ये डीएनए। आपने कभी भी अगर ऊद को स्मेल किया हो तो आपको एक जो उसमें हार्स ओपनिंग मिलती है, एनिमेलिक गंदी खुशबू मान सकते हैं, ऊद वैसे गंदा नहीं होता है लेकिन कभी कभी किसी लोगों को वो अच्छा नहीं लगता है। मैं समझता हूँ वो चीज़ हो सकता है, आप भी समझते हो, तो इसमें वो वाला ऊद नहीं है। ऊद जब थोड़ा सा सेटल डाउन होता है और उसके बाद में जो एक प्रीमियम वुडी लेदरी टाइप की फ्रेगरेंस निकलती है, उस टाइप का फ्रेगरेंस का फील आपको इसमें देखने को मिलता है और लेदर का बहुत अच्छा सा नोट यूज हुआ है। काफ़ी सारे और भी वुडीनेस हैं जो इसे यूनिक बनाते हैं, कुछ तो यूनिक है इस फ्रेगरेंस के अंदर जो दूसरे फ्रेगरेंस में आपको नहीं मिलता है, जो इसमें आपको मिलता है। ओवरऑल ये क्लोन करते हैं टस्कन लेदर का, लेकिन उतना हार्श नहीं है। टस्कन लेदर में लेदरी और लेदरी फील बहुत ज़्यादा लगता है और नाक को चुभता है, वैसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। रेस्पबेरी का बहुत अच्छा सा हिंट है, थोड़ा सा मिठास भरी खुशबू आपको मिलती है, कुछ वेनिला के हिंट भी मिलते हैं, एम्बर का हिंट भी आपको इसमें मिल जाता है। ला यूकोवाम आपने अगर सुना हो रसासी का, ये उसको भी बीट कर सकता है, ये टस्कन लेदर को भी मेरी नज़र में बीट कर सकता है। ला यूकोवाम और टस्कन लेदर के बीच का एक फ्रेगरेंस था हे अभी भी, जो है अल हरामैन का लेदर ऊद, और उसे थोड़ा सा मीठा भरी खुशबू के साथ बनाया गया था और बहुत अच्छा बैलेंस था उन दोनों का। और इन तीनों फ्रेगरेंस के ऊपर मैं इसे रखना चाहूँगा, उतना ज़्यादा अच्छा ये मुझे लगा और बिल्कुल सेफ फ्रेगरेंस है। अगर आपको लेदर ऊद की फ्रेगरेंस चाहिए आप इसे आँख बंद करके ले सकते हैं, आपको बहुत यूनिक खुशबू मिलने वाली है। और अगर आप ब्राउन कलर का आउटफिट पहनते हैं, अगर आप समझ सकते हैं, अगर आप उसमें इसे वियर करेंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, अगर थोड़ा ठंडा टाइम है जैसे मॉनसून का टाइम है या फिर विंटर का टाइम आएगा, आप इसमें वियर करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा सूट करेगा। वैसे ये जो फ्रेगरेंस है आप दिन की धूप में भी इसे वियर कर सकते हैं, ये एक ऐसा लेदर और ऊद फ्रेगरेंस है जो मुझे मिला है जो आप दिन के टाइम में वियर कर सकते हैं चाहे गर्मी का टाइम हो। यही था इस फ्रेगरेंस के बारे में। बात करें इसके परफॉर्मेंस के बारे में तो आराम से 7-8 घंटे इजीली आपको मिल जाता है, अगर आप 7-8 स्प्रे भी इसके करते हैं तो 7-8 घंटे आराम से चल जाएगा। और शुरुआत के 2 से 2.5 घंटे बहुत लाउड प्रोजेक्ट करता है, तो प्रोजेक्शन के मामले में भी काफ़ी बढ़िया है। फ्रेगरेंस क्वालिटी, जूस क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है, यूनिक खुशबू देता है जो आपने कभी स्मेल नहीं की होगी। तो देर किस बात की है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा, जरूर जाके इसे भी आप परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेन चीज़ के बारे में जिसके लिए हो सकता है आप रुके हो। ये जो सैंपल्स हैं ये अरमाफ के ऑफिशियल वाइल्स हैं जो मैं आपको फ्री में देने की सोच रहा हूँ, लेकिन 1 वीक के लिए ही मैं फ्री में दूंगा और फ्री में दूंगा, लेकिन अगर आप freakstock.in से कुछ भी ऑर्डर करेंगे, एक परफ्यूम ऑर्डर करेंगे तो आपको एक वॉयल मिलेगा, अगर आप 10 ऑर्डर करते हैं आपको 10 वॉयल्स मिल जाएंगे और वॉयल्स जो है आपको रेंडमली मिलेगा, आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि मुझे टेग हर ही चाहिए या फिर मुझे ट्रेसनुई ही चाहिए, वोयाज ही चाहिए,
ये एक थोड़ी सी बात है जो आपको कंसिडर करना होगी। हम अपनी साइट से देने की कोशिश करेंगे आपको, और आप जो ऑर्डर करते हैं freshstock.in पे, अगर वहाँ नोट में अगर मेंशन कर देंगे दो चार फ्रेगरेंस और हमें हमारे पास अगर वो अवेलेबिलिटी होगी तो हम वो आपको भेजने की कोशिश करेंगे। तो यही था दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।